हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू हमने कम्युनिकेशन के फोर सेशन कंप्लीट कर लिए हैं इसमें हमने कम्युनिकेशन के टाइप देखे फीडबैक कैसे देनी है उसमें अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन से होते हैं रुकावटें कौन से होती हैं उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है देखो हमने अभी तक डिफरेंट मैथड पढ़े हैं कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल वर्बल विजुअल ठीक है ये सारे हमारे क्या हैं कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं ये मेथड्स तभी इफेक्टिव हो सकते हैं अगर हम कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल में प्रिंसिपल्स को फॉलो करें प्रिंसिपल्स कौन से ये सेवन प्रिंसिपल्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन मेथड हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे कि कौन से प्रिंसिपल हैं वो क्लियर कंसाइज कंक्रीट करेक्ट कोहरेंट कंप्लीट स अब दोबारा से देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी जब हम डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन मेथड जैसे नॉन वर्बल वर्बल विजुअल इन सब के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल को भी फॉलो कर पाएंगे प्रिंसिपल कौन से ये सेवन प्रिंसिपल सेवन सीज भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये सेवन के सेवन प्रिंसिपल सी से स्टार्ट होते हैं हम सेवन प्रिंसिपल के बारे में आगे पढ़ेंगे अगर इन इन प्रिंसिपल्स को हम इन मेथड के साथ फॉलो करें नॉन वर्बल वर्बल और विजुअल तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगी इफेक्टिव हो जाएगी अगर इन सेवन सीज में से कोई भी एक एबसेंट हो जाए मतलब किसी एक का भी अच्छे से यूज ना कर पाए हम तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है अभी मैं आपको बताती हूँ इनके मीनिंग क्या होते हैं सबसे पहले है क्लियर बी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट टू से आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो कंसाइज यूज सिंपल वर्ड्स से ओनली वट इज नीडेड सिंपल वर्ड्स का यूज करो जो भी आपको बोलने हैं कंसाइज यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स फैक्ट्स और वर्ड्स एग्जैक्ट यूज करो जो आपके टॉपिक से या जो आपकी कम्युनिकेशन uh, से आपके मैसेज से रिलेटेड है यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए कोहरेंट वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक जो भी आप वर्ड्स वर्ड्स यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के टाइम उसकी मीनिंग जो है वो सही होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से इंक्लूड ऑल द नीडिड इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करो जो भी उस कम्युनिकेशन में ज़रूरी हैं नेक्स्ट कोर्टियस एक मतलब क्या है जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहो फ्रेंडली रहो ईमान मतलब ईमानदार रहो तो ये सेवन क्या है हमारे प्रिंसिपल्स हैं सेवन सीज बोल देते हैं क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहे हैं अगर आप इन सेवन प्रिंसिपल का यूज करोगे इसका मतलब क्या है कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर कर पा रहे हैं अब देखिए बैरियर्स होते हैं कुछ कम्युनिकेशन में फोर बैरियर्स होते हैं लिंग्विस्टिक कल्चरल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरपर्सनल अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टाइम कौन सी रुकावटें आती हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकली फिजिकल बैरियर इज एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट दैट एक्ट एज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर कि अगर हम सेंडर टू रिसीवर मैसेज कर रहे हैं तो फिज़िकल बैरियर भी एक बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है जैसे नॉट बिंग एबल टू सी गेस्टर्स क्योंकि अगर हम फिजिकली आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो पर्सन से सेंडर और रिसीवर के बीच में फिजिकली कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो दूसरा जो पर्सन है ना तो उसका गेस्चर देख पा रहा है ना पोस्चर देख पा रहा है ना उसकी जनरल बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा है जिससे क्या है कम्युनिकेशन उनके बीच में इफेक्टिव नहीं हो पा रही है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान के चल रहे हैं मैसेजेस के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा वो लेस इफेक्टिव होगी फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें हमारा गेस्टर दिख रहा है पोस्चर दिख रहा है जनरल बॉडी लैंग्वेज दिख रही है लेकिन अगर हम टेक्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें हमारी ये तीनों चीजें नहीं दिख रही तो जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो इससे ज्यादा इफेक्टिव है और ये लेस इफेक्टिव है इसे तो ये फिजिकल बैरियर भी है कि अगर हम आ, ये अगर हम फेस टू फेस बात नहीं करते हैं और ये हमारी गैस्टर पोर्सर और जनरल बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होती हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर्स लिंग्विस्टिक बैरियर्स को हम भाषा हिंदी में कह देते हैं भाषाई बधाएँ भाषा से रिलेटेड जो बधाएँ हैं द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग ए लैंग्वेज इज नोन एज ए लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेट देखो लैंग्वेज इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग ए लैंग्वेज अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करके आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कई बार उसमें भी रुकावटें आ जाती हैं लैंग्वेज बैरियर्स आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर सबसे मोस्ट कॉमन बैरियर्स रुकावटें हैं विच कॉज जिससे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हैं वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता दूसरा पर्सन होता है मिस इंटरप्रेशन मतलब उनको गलत समझ आ जाता है ठीक है उनकी धारणा अलग समझ आ जाती है उनको बिटवीन पीपल फॉर एग्जाम्पल जैसे हम प्रोफेशनल जैरगन्स का यूज़ करते हैं प्रोफेशनल जैरगन्स होता है हमारा पेश, पेशे पेशेवर शब्द पेशेवर शब्द जो शब्द जाल मतलब जो वर्ड्स हम ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ करते हैं रीजनल कोलोक्वेलिज्म ये कौन से होते हैं क्षेत्रीय बोलचाल जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में या पर्टिकुलर किसी रीजन में बोले जाते हैं तो ऐसे अगर वर्ड्स ऐसे शब्द जाल हम यूज करते हैं लोगों के बीच में तो क्या हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और मिस हो जाती हैं और गलत मतलब निकला जाता है उसका तो ये हमारी होती है भाषा ही बधाएं मैं इस पर क्लिक करके मैंने इसके हिंदी में नोट्स भी बना रखे हैं अगर आपको देखना हो तो आप इसमें से हिंदी में से इसको समझ सकते हो ठीक है नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर्स इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं देखो पारस्परिक बैरियर पारस्परिक बाधाएं बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ओकर व्हेन द सेंडर मैसेज इज रिसीव डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड ये कब उत्पन्न होता है कब पैदा होता है जब सेंडर का जो मैसेज है रिसीवर के पास अलग तरीके से जाता है अलग तरीके से मतलब जो देना बात कहना चाहता है वो बात उस तक रिसीवर तक नहीं पहुँच पा रही है इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज़ ये तब होता है जब हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं हमारी किसी से बात करने की या अपने व्यूज़ रखने की इच्छा नहीं होती है स्टेज uh, फियर हमारे को स्टेज फियर रहता है लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं है या हमारे बीच में कोई पर्सनल डिफरेंसेस हैं तो ये सारी जो हमारे इंटरपर्सनल बैरियर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इसके भी मैंने हिंदी में नोट्स बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं कि पारस्परिक संचार बधाई तब आती हैं जब संदेश जो होता है अलग तरीके से प्राप्त होता है मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में ऐसे व्यक्ति के बाद संवाद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जो अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने या व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है जो मतलब चाहता नहीं है अपने विचार को प्रकट करने में या जिसको स्टेज का डर रहता है या संवाद करने की इच्छा की कमी रहती है या उनके बीच में कोई मतभेद चल रहा होता है पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है तो पारस्परिक बाधाएं जो आपकी पैदा होती हैं तो हिंदी में नोट्स भी दे रखा है मैंने इसका नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल आर यू डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल हरिकल स्ट्रक्चर दैट फॉलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स पॉलिसीज बिहेवियर नॉर्म्स देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है हमें कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोसीजर बनाए होते हैं कोई पॉलिसीज होती हैं या उनके नॉर्म्स क्रिएट होते हैं तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन की होती हैं दिन ऑल दिस इफेक्ट द फ्री फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन इनकी वजह से क्या होता है हम फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर फोर नीड टू सूटेबली मैनेज जिसको हमें अच्छे से मैनेज करना पड़ता है पहले तो सुपीरियर so, so, सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन फॉर्मन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी ए बैरियर ऑफ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हम ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से बैरियर हो जाता है हम फ्री फोल ऑफ कम्युनिकेशन हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते समटाइम्स ड्यू टू स्ट्रिंट रूल्स द एम्प्लॉयज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देअर पीयर्स टू एम्प्लॉय को एक दूसरे से बात करने में भी अपने कुलीग से बात करने में भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको इसका हिंदी में भी वर्जन दिखा देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को हम संगठन बोल देते हैं कि नियमों उसके प्रक्रियाओं नीतियों का पालन करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है प्रबंधित करने की आवश्यकताएं है होती हैं मतलब उनको मैनेज करने की आवश्यकता होती है तो सुपेरियर अधिनिय दृष्टि संचार के मुख्य प्रवाह में बाधा बन सकते हैं मतलब ये जो हम प्रोफेशनलिज्म यूज़ करते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये हमारे जो कम्युनिकेट करने में बाधा बनते हैं इसके अलावा कभी कभी ऐसे कड़े नियमों के कारण हमें जो आपस में कर्मचारी भी होते हैं वो भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ठीक है नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स कल्चरल देखो कल्चरल मतलब उनके रीति रिवाज से कल्चर से रिलेटेड कल्चरल बैरियर्स इज व्हेन पीपल ऑफ़ डिफरेंट कल्चर्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड ईच अदर्स कस्टम्स रिजल्टिंग इन इनकनवीनस एंड डिफिकल्टीज कल्चरल बैरियर्स कब आते हैं जब एक पर्सन दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पाता है ठीक है उनके कस्टम्स को तो उसमें वो क्या होती है उनको समझने में इनकन्वीनियंस होती है डिफ़िकल्टीज होती हैं पीपल समटाइम मेक स्ट्रियोटिपिकल एजम्सन ये क्या होता है कि रूढ़ीवाद धारणाएं इसको बोल देते हैं हम रूढ़ीवादी धारणाएं मतलब रूढ़ीवाद विचार बना लेता है अपने मन में उसको ये चीजें समझ नहीं आ पाती अदर बेस्ड ऑन देअर कल्चरल बैकग्राउंड उनके बैकग्राउंड को देख के या उसके उनके बीच में इस चीज़ के डिफरेंस इनके बीच में ऐसे डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं उनके कल्चरल को ना समझ पाना उनके बैकग्राउंड को ना समझ पाना तो ये रूढ़ीवादी जो धारणाएं हमारे मन में आ जाती हैं ऑल दो देर आर सर्टेन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू कैन ऑलवेज ओवरकम दिस बैरियर्स बाय फॉलोइंग सम बेस्ट प्रैक्टिस तो ये ऊपर सारे हमने बैरियर्स पड़े हैं रुकावटें पड़ी हैं तो कहते और भी कई बैरियर्स होते हैं लेकिन हम इन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए ओवरकम करने के लिए रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन इनको कम करने के लिए हम कुछ वेज हैं हमारे पास उसको देखते हैं फॉलो करते हैं कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन बैरियर्स को इन रुकावटों को हम यूज सिंपल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज का यूज करो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर या डिफरेंट वर्ड्स स्लैंग्स यूज कर कर या आपको ऐसे ही नहीं सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है डू नॉट फॉर्म अजम्पशन ऑन कल्चर कल्चर पे अजम्पशन नहीं करनी है कल्चर किसी के कल्चर पे धारणाएं नहीं बनानी है किसी के धार्मिक से या जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसे जम्पन्स नहीं यूज़ करनी है ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल पर्सनली बात करो आप कम्युनिकेट करो यूज़ विजुअल विजुअली दिखाओ उनको जिससे वो ईजी अंडरस्टैंड करे टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफ्रेंसेज इन लैंग्वेज अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा दूसरा पर्सन तो ट्रांसलेटर का यूज़ करो उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में समझाओ बी रिस्पेक्टफुल टू अधर्स ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन का दूसरों के जो भी ओपिनियन रख रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करो तो ये तो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं हम उसको ठीक है प्रिंसिपल्स का यूज करके और बैरियर्स क्या आते हैं उन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है जिसमें आपको राइट डाउन द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स आपको राइट uh, डाउन करने हैं और इनको मेक कम अक्रॉस वैन यू मूव टू ए न्यू सिटी और कंट्री मान लो आपकी न्यू सिटी और न्यू कंट्री में जा रहे हैं तो कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या आ सकते हैं तो आप बैरियर्स जो इसमें दिए गए हैं उसमें से कोई बैरियर्स का आप यूज करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो दिस इज ऑल अबाउट सेशन फाइव ओके थैंक यू हैव ए नाइस टे